Namaskar, Assalamu Alaikum, Sat Sri Akal, good morning, Happy New Year 2022 to all my viewers. आज 1 जनवरी 2020 का ये सुहावना दिन, सूरज जो है वो भाई साहब काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने आज हमको दर्शन दिए हैं और आज 1 जनवरी में नए साल को स्वागत करते हुए हम सब इंसाफ के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम हवेली जलंधर में जो कि वर्ल्ड फेमस है अपने क्यूजीन और हिस्टोरिक गेटअप के लिए वहां पे जाएं। मनु जी को मैंने कैमरा पकड़ा दिया है, मैं ड्राइव कर रहा हूं और अतु जी रेड जैकेट में मैंने अभी हमको क्रॉस करके गए हैं। अभी हम बस स्टैंड का फ्लाईओवर क्रॉस करके आगे पहुंचे और वहां पे फिर हमने क्रॉस किया PSF चौक जलंधर का। तो अतुल जी बोले कि उनको पेट्रोल डलवाना है, तो वो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए और मुझे अपनी बाइक की हवा चेक करवानी थी, तो मैं हवा चेक करवाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। आज मौसम काफ़ी सुहावना है, सूरज जैसे ही मैंने कि बताया कि 18-20 दिन के बाद में निकला है, तो नए साल का स्वागत लोग थोड़ा बेहतर मौसम के साथ कर भी कर रहे हैं। इंडियन ऑयल और दूसरे पेट्रोल पंप्स के साथ साथ काफ़ी पेट्रोल पंप्स पे जो नया फास्टैग फॉर्मेट ने लॉन्च किया है, एक्टिवेट किया है, वो अवेलेबल है। ड्राइवर्स जो हैं वो ये फास्टैग, स्पेशली 4-wheel ड्राइवर्स फास्टैग ऐसे पेट्रोल पम्प से नॉमिनल कॉस्ट जो भी है वो दे के खरीद सकते हैं। अतुल जी तैयार हो गए निकलने के लिए और उससे पहले मैंने अपनी बाइक की हवा चेक करवा ली है, तो मैं मनु जी के साथ निकल रहा हूँ। अतुल को बोल दिया भाई कि तू हमको फॉलो करते हुए निकलिए, तो चलिए मैं और मनु निकल रहे हैं हवेली के लिए और अतुल भाई साहब हमको फॉलो करते हुए आएंगे। यहाँ पेट्रोल पंप से हम निकले और अभी हम पहुँचेंगे PAP चौक जलंधर, जो कि है पंजाब आर्म पुलिस का चौक, जहाँ से पंजाब पुलिस की जो ट्रेनिंग है वहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है ये चौक, मतलब इतना बड़ा चौक है। यहाँ से अमृतसर के लिए, होशियारपुर के लिए, नकोदर के लिए, जलंधर कैंट के लिए रूट निकलती है, तो ये जो सिग्नल था ये काफ़ी बिजी रहता है। इस चौक से निकलते निकलते हम पहुँचे काफ़ी हैवी ट्रैफिक को क्रॉस करते 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 बस इसको क्रॉस करते करते रामा मंडी चौक। फिर रामा मंडी चौक से हमने क्रॉस किया तो हवेली हमारा रह गया था डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स। हम आगे पहुँचे तो मनु जी को ध्यान आया कि भाई बाकी जो हमारे फाइटर्स हैं उनको भी कॉल करके एक बार इंटीमेट कर दिया जाए, रिमाइंड कर दिया जाए कि ये टाइम पे हमने वहाँ पर पहुँचे करते हम हवेली पहुँचे। तो हवेली में जैसे ही हम बाहर के एरिया में, सिटिंग एरिया जहाँ पे काफ़ी पब्लिक अवेलेबल थी और इंजॉय कर रही थी, तो हमको हमारे इंसाफ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब पहले से ही वहाँ पे मौजूद मिल गए। हमने काफ़ी इंजॉय किया उन लोगों के साथ में। तो
हवेली की फेमस चाय ऑर्डर की गई, मुझे भूख लगी थी, पापा था आपको सेक्रेटरी को भूख लगी थी, तो हम दोनों ने अपने लिए स्नैक्स ऑर्डर किए, धूप में बैठ के स्नैक्स और चाय इंजॉय की गई। और ये करते करते हमारे टीम के सीनियर मेंबर भी विश करने के लिए हमको पहुँच गए वहाँ पे। एम जीताओ की मेनली टॉक वाली गॉसिप का हमारा अच्छा खासा हल्का फुल्का और मजाक वाला दौर चला। हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इकट्ठे हुए तो गॉसिप काफ़ी अच्छी चली, इधर उधर की बातें काफ़ी हुई, नए साल का तो प्रोग्राम था ही, और धूप में बैठ के हम सबको बातें करते हुए गॉसिप करते हुए अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए काफ़ी मज़ा आया। हाय हेलो करो दोबारा शेयर करो और कितना।